पंज अंगूठियां दवो फिर व्याह करवावांगे। बरातियां दी खातरदारी ना होण ते करो साडी ए मंग पूरी। ए बोल बड़े ही शर्मसार करन वाले ने, पर ए बोल बोलन दे नाल जो कारनामा कीता गया लाड़े परिवार वल्लों हर किसे नू हैरान करेगा। दरअसल फ्लोर च एक व्याह च लाड़े ने उस वेले मंडप च सहरा सुट के व्याह तो मना कर दिता जदों उना दी पंज अंगूठियां दी मंग पूरी ना हुई। कुड़ी दे मापे हथ जोड़दे रहे पर फिर भी एक ना मन्नी ते बरात वापस लै पटियाले नू रवाना हो गया। ए सुन के लाड़ी दी भी तबीयत बिगड़ गई जिस नू हस्पताल भर्ती करवाया गया। दरअसल लड़की दे पिता स्क्रैच डीलर दा काम करदे हन। उन्हां अगे परिवार ने शर्त रखी सी कि साडे बरातियां दी व्याह च चंगी खातरदारी होनी चाहीदी है, जिस करके एक पिता ने 6 लाख दा करजा चुकिया पर फिर भी मुंडे वालिया ने कहा खातरदारी च कमी रही है जिस करके सानू 5 अंगूठियां दित्तियां जाण। जिस मंग नू मापे खड़े पैर पूरी करन तो असमर्थ सन। ये सुन के लाड़े ने गुस्से च जो कीता बेहद शर्मसार सी। मेरा नाम नरेश है जी, मेरी बेटी की मैरिज सी 14 तरीक नूं जी। सवेरे 9 बजे का टाइम सी बरात का, बरात आई 5 बजे जी। मिलनियां कराइयां उन्होंने, बरात में सारी रोटी खाण बढ़ गई। मुंडे की माँ तो मुंडे का मामा मैनू लैके सैड ते खड़े हो गए जी। कहते साडा इज्जत मान नहीं होया, सानू जिहड़ियां तैनू मुलदियां कहियां सी ओह नहीं पाईआं। दूसरी गल मुलदियां दी सी छड्ड दिंदे आ, चल नकदी कर दे सानू। मैं उत्थे उन्हां दी मिन्नत तरले कीते पैरी पिया, मैं तो पैरी पिया, मैं तो धीवाला जी, मैं तो पैना पैरी उन्होंने। मेरे भैन भरा जिहड़े मुख बंदे मेरे शहर के, वह भी उन्होंने पैरी पे जी, पर उन्होंने किसी की मन्नी नहीं। कहिंदे असी निकाह नहीं होण देणा जी, फिर ये मतलब निकाह होण नहीं देणा बिल्कुल, इत्थे कुड़ी छड्ड के जावांगे। इन्होंने चलो मैं भी, मैं कहा चलो मैं मिन्नत तरले करते रहे, भाजी उन्होंने मिन्नत तरले करते, कहते चलो निकाह कराओ, फिर निकाह तो बाद छड़ के ब्याह करा के फिर छड़ के जावांगे। मैं बेटी मैं कहा मैं भेजनी नहीं जी। लड़की जिस दिन शादी सी असी जिहड़ा बरात का टाइम सी 9 बजे का टाइम सी, इन्हां दा 5 तो 5:30 बजे विच इह बरात जदों आई आ ते असी इन्हां दीआं 27 मिलनियां इन्हां दीआं करवाईआं गईआं, ठीक है जी। उस तो बाद इन्हां ने जदों खाणा खूणा खा लिया, जदों निकाह दा टाइम होया, उस तो बाद इहदे फादर नूं ते इहदी वाइफ नूं बुलाया गया भी साइड ते हो के गल सुणो साडी। उन्होंने जदों मतलब उन्होंने कहा वा भी आ जिहड़े आ तुहानू कोई डिमांड कीती सी उह तुसीं साडी पूरी क्यों नहीं कीती। 5 मुंडियां इन्हां ने डिमांड कीती सी ते कुछ कैश दा इन्हां ने डिमांड कीती सी इन्हां ने, ते उस तो बाद इन्हां ने जदों डिमांड नहीं पूरी कीती ते इह उस टाइम ही निकाह दा इन्हां रौला पले वी सी, निकाह नहीं होण देणा सी। चर्च दे विच्चों उठ के लड़का ते मां उहदी इत्थों ही पहलों ही पैलेस 'चों ही भज गई सी, 7 लोग क्लब 'चों ही भज गए सी, ते उस तो बाद मुंडा भी इत्थों फिर चला गया। बरात कित्थों आई हुई सी? बरात पटियाले तो आई सी जी। की मंग सी उन्हां दी? मतलब गोल्ड दी मंग सी उन्हां? गोल्ड दी मंग सी ते कैश कैश दी भी मंग सी उन्हां दी। हुण की गलबात होई आ तुहाडी? हुण साडी DSP साहब ने बड़ा भरोसा दित्ता सानू भी जिद्दां भी हैगा तुहाडी हैल्प करांगे असीं, भी जिहड़ी बनदी कारवाई उन्हां दे कीती जाऊगी। की मंग करदे? असीं बनदी कारवाई उन्हां दे मंग करदे। उन्हां दरखास्त मसूल हुई है भी उच्ची काटी दे के लड़की जी का पटियाले 2 साल तो रिश्ता होया सी, वह बरात आई सी ते बरात बिना विआह कीतियां वापस चल गई है। वह मैटर मेरे ध्यान च आ गया, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हुण। मैनूं लड़की दे जिहड़े पेरेंट्स ने वह मिल के गए ने, दूजी पार्टी नूं बुलाया, दोनों पार्टियां नूं सुन के जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी वह की जाएगी। की परिवार ने की दस्या परिवार ने दोष लगाया उन्होंने भी जो मिलनिया हुई, उस तो बाद जो इन का निकाह होने लगा तो निकाह होने तो पहले उन्होंने डिमांड रख दी भी तुम साड़ी जी सेवा नहीं की, साढ़े मुंदरियां नहीं पाइया, साढ़े रिश्तेदारों
तो साड़ी बेइज्जती हुई है तो असं विआह नहीं करना जां विआह करने तो बाद असीं जिहड़ी लड़की नूं इह छड्ड देना। सो इहनां दा डिस्प्यूट पै गया तो हुण कंप्लेंट आ गई है। जो भी दोनों धिरां नूं सुण के जो भी सच्चा होएगा उहदे अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। एक धी लई एक पिता जिन्ना हुंदा है उह करदा है। फिलहाल लड़की दे मापिआं वल्लों पुलिस नूं शिकायत दे दित्ती गई है। तुसीं इस बारे की कहना चाहोगे कमेंट जरूर करो।